आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज विच आर अवेलेबल इन केस ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अक्सर आपके एग्जाम में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? चलिए, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? हमने जाना कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन वर्क में मिलते हैं और इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्सेट्रा। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट बेसिकली एक राइट है, एक एक्सक्लूसिव राइट है विच इज़ ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। जो कि कौन ग्रांट करता है? गवर्नमेंट ग्रांट करता है। किसको? इन्वेंटर को, जो कुछ नया इन्वेंशन करता है या कोई इनोवेशन करता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर पेटेंट ग्रांट किया जाता है। और जो पेटेंटी होता है, जो इन्वेंटर होता है जिसे ये राइट्स मिलते हैं, वो दूसरे पर्सन्स को एक्सक्लूड कर सकता है कि वो पर्सन्स उसके इन्वेंशन को इमिटेट ना करें, उसके इन्वेंशन को कॉपी ना करें, मैन्युफैक्चर ना करें, यूज़ ना करें और उसके इन्वेंशन को बिना उसके परमिशन के सेल ना करें फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। तो बेसिकली एक प्रकार का राइट जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है इन्वेंटर को ताकि उसका इन्वेंशन सिक्योर हो सके, उसे रीजनेबल रिटर्न दिया जा सके। दिस इज नोन एज पेटेंट। पेटेंट के बारे में हमने डिटेल में बात किया था। हम ये भी कह सकते हैं कि पेटेंट क्या है? एक एक्सक्लूसिव राइट होता है विच इज़ ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। और ये जो इन्वेंशन है ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए एक नया वे हमें सिखाता हो। तो अ प्रोसेस और प्रोडक्ट विच प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और प्रोवाइड्स न्यू सॉल्यूशन टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम नोन एज पेटेंट। वो क्या है? पेटेंट है। अब पेटेंटी के इस राइट को जब कोई थर्ड पर्सन वॉयलेट करता है तो इसे हम कहते हैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, राइट? तो पेटेंटी के पास उसके इन्वेंशन को लेकर के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो केवल और केवल उसी के पास है। अगर उन एक्सक्लूसिव राइट्स का कोई थर्ड पर्सन किसी प्रकार से वॉयलेशन करता है तो ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा एंड इट इज एन ऑफेंस, राइट? तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर, पेटेंट होल्डर के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट। नोबडी एल्स कैन पेटेंट इन्वेंशन प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स सबस्टांसेस। अगर मिस्टर ए ने किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन का पेटेंट करा रखा है तो इस इन्वेंशन से जुड़े जो भी राइट्स हैं वो केवल और केवल मिस्टर ए को बिलोंग करते हैं। अगर कोई सेकंड पर्सन इनके इस इन्वेंशन का बिना इनके परमिशन से यूज करता है या सेल करता है या कॉपी करता है, राइट? तो ये क्या है? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इज वॉयलेशन ऑफ मोनोपोली राइट्स ऑफ पेटेंटी।
राइट. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन वायलेट्स एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर, इट इज टर्म्ड एज इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट. राइट. तो जब कोई पर्सन पेटेंट होल्डर के एक्सक्लूसिव राइट्स को वायलेट करता है तो ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट के तहत आता है. फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रिंजमेंट. पहला, सिमिलर कॉपिंग ऑफ इन्वेंशन. दूसरा, मैकेनिकल रिजेंबलेंसेस, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज आपने रखा, कुछ मैकेनिकल सिमिलैरिटीज आपने रखा अपने प्रोडक्ट में जो उस ओरिजिनल प्रोडक्ट के फीचर्स थे. एडॉप्टेशन विथ ट्रिवियल डिफरेंसेस, आपने एक प्रोडक्ट बनाया लेकिन जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था पेटेंट होल्डर का वो सेम है, उसी तरह है, केवल मामूली डिफरेंसेस हैं, तो ये भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा. अडॉप्टेशन ऑफ सब्सटेंशियल फीचर्स ऑफ इन्वेंशन, तो जो ओरिजिनल इन्वेंशन था उसके कुछ बेसिक फीचर्स को, कुछ स्पेशल फीचर्स को आपने कॉपी कर लिया. तो दीज एक्शंस आर नोन एज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट. ये एक्शंस क्या है? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है. टू सम अप, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, एनी वॉयलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पेटेंटी, पेटेंटी के राइट्स का किसी भी प्रकार से वॉयलेशन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट कहलाता है. जैसे कलरेबल इमिटेशन ऑफ योर इन्वेंशन, आपने अपने इन्वेंशन में जिस यूनिक कलर का यूज़ किया था, कॉम्पिटिटर ने उस यूनिक कलर का इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी क्या है? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है. टेकिंग essential फीचर्स फ्रॉम योर इन्वेंशन, दिस इज also इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट. पेटेंट एक्ट 1970 का, एक मिनट, यस, पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 47 और सेक्शन 107A provides for the acts that shall not be considered as infringement of patent. हमारे पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 47 और सेक्शन 107A उन सभी एक्ट्स के बारे में बात करता है जो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में नहीं आते हैं. एग्जाम्पल, इम्पोर्ट ऑफ एनी मशीन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर कोई मशीन इम्पोर्ट करती है या कोई आर्टिकल इम्पोर्ट करती है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई पर्सन किसी मशीन या किसी आर्टिकल को इम्पोर्ट करता है किसी अदर कंट्री से, तो भले ही वो प्रोडक्ट, वो इन्वेंशन उस पर्टिकुलर कंट्री में पेटेंटेड है, लेकिन गवर्नमेंट का ये एक्शन पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में नहीं आएगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटीज बिटवीन दीज टू नेशंस. राइट. या मैन्युफैक्चरिंग और यूज ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस, पेटेंटेड प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग या उसका यूज गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी पर्सन के द्वारा, ये भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा. राइट. तो ये था पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट. अब अपने नेक्स्ट वीडियोज में हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में पेटेंट होल्डर के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, उसके बारे में बात करेंगे. राइट. और फिर हम बात करेंगे जो भी इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस हैं इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के, जहां से आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करें. तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर ऑलरेडी हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है दो पार्ट्स में, आप उन्हें देख सकते हैं, और PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. राइट.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।